शहर की खूबसूरती में उन्होंने आज एक हाथ बढ़ाया है शहरवासियों की तरफ से, मतदार संघ की वजह से मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नारायण राव जी सिर्फ इंजन बिठाने से नहीं होता, उसको डब्बे भी लगते हैं। और हमारा तो क्या है, वैसे चलती ट्रेन में मैं तभी बैठा नहीं, लेकिन निश्चित ही जहाँ डेवलपमेंट की बात आती है, जहाँ शहर विकास की बात आती है, जहाँ जिले के विकास की बात आती है, तो निश्चित ही राव साहब दानवे का नाम लेना चाहिए। जालना जिला अंतुले साहब ने किया है, और उस वक्त से आज तक तकरीबन 35 से 40 साल हो रहे हैं, ये सिर्फ नाम को जिला रहा है। महाराष्ट्र में सिर्फ जालना जिला खाया जाता है, लेकिन जिले जैसी फैसिलिटी हमारे जालना शहर में कई कोई स्वरूप के अंदर दिखा नहीं गया। चाहे वो पानी का प्रश्न हो, चाहे गेम्स का स्टेडियम हो, चाहे सीमेंट के रास्ते हो, चाहे ड्रेनेज का प्रश्न हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का प्रश्न हो, चाहे हमारे पास जो सलम्स है, नोटिफाइड सलम्स, उनका पीआर कार्ड का देने का काम है, ये कोई भी चीज़ जालना शहर के अंदर हुआ नहीं। लेकिन 2014 के बाद सन्मान्य दानवे साहब जब इस लोकसभा के प्रतिनिधि का काम करते करते मंत्री बने, तो इस जालना शहर का स्वरूप दिन ब दिन बदलता गया। आज हम लोग, मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि परभनी डिस्ट्रिक्ट से भी हम अच्छे हैं सर, ऐसे बहुत सारे शहर है जिससे हम लोग अच्छे। आज भी औरंगाबाद में 9-9, 10-10 दिन पानी नहीं है, लेकिन हमारे पास आज 8 दिन में पानी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ है, नांदेड़ हो या जितने भी महानगर पालिका है, लातूर हुआ, ये हुआ, ये सब हुआ, लेकिन सफाई के मामले में जालना नगर पालिका सबसे आगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो दिखने में नहीं आती, लेकिन गिनने के जैसी चीज़ें होती है। और मैं निश्चित कहता हूँ कि दानवे साहब ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया कि कांग्रेस का आमदार है, कांग्रेस की नगर पालिका है, कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हमेशा मिलजुल के काम करने दिया। और शायद 5 तारीख को भी आपने मुख्यमंत्री के पास मीटिंग रखी है, और मेरे ख्याल से आप भी मुझे बुलाने वाले ऐसा मुझे सुनने में आया। बहुत सारे प्रश्न ऐसे है सर, आप दिल्ली रहते हैं, और लोकल प्रश्न ऐसा है हमारा, सिंधी बाजार का मैटर है, तकरीबन अर्जुन भाई भी है, तकरीबन सब 3 से 4 मीटिंग मेरे कार्यकाल के